इस समय टाइम हो रहा है 9:20। जल्दी उठना था, जल्दी निकलना था। वीकेंड आप देख रहे हैं, जैसे रात में मैं गाने सुनते सुनते कब सो गया मुझे पता ही नहीं लगा। और आज की ट्रिप तो हम लोग को करनी ही करनी है, जल्दी जाना था, लेकिन अब 9:30 यही बज चुका है। कोई बात नहीं दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं जल्दी सो, जल्दी उठो और जल्दी उठो। अब मैं उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फटाक से निकलता हूँ। गाइज वेलकम टू माई चैनल बी ब्लॉगर, दिस इज़ विनय सक्सेना। गाइज सारी तैयारी हो गई है, बैग में RC रख ली है, गाड़ी के पेपर्स हो गए हैं, बैग तैयार कर लिया है, हेलमेट वगैरह गाड़ी सब तैयार है। सो गाइज हम लोग निकलते हैं गोला गोकरणनाथ के लिए, दिखाते हैं आपको रास्ते में क्या क्या है करने के लिए। ओके गाइज मिलते हैं रास्ते। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ चढ़ाव चौराहे पे आ चुके हैं और ये हम लोग आ गए हैं लंगोटी बाबा के पास में। जय हो लंगोटी बाबा की जय। अब यहाँ से गाइस कम से कम 60 से 65 किलोमीटर्स गोला गोकरणनाथ पड़ेगा। और यहाँ से सीधे आप लोग स्ट्रेट चलते चले जाइए, सीधे बाया मोहम्मदी अमीन नगर होते हुए सीधे आप गोला गोकरणनाथ पहुँचेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं इस टाइम मोहम्मदी में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ से 30 किलोमीटर कर लिया है हम लोगों ने, यहाँ से 30 किलोमीटर रह जाता है गोला गोकरणनाथ। ये आ गए हैं हम लोग मोहम्मदी। बस दोस्तों यहीं से जब 10 किलोमीटर आगे जाके जो माला जंगल पड़ता है वहाँ पे हम लोग रुकेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, वहाँ के फोटो वगैरह निकालेंगे, वहाँ का व्यू दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा व्यूज़ है वहाँ पे, बहुत बड़ा जंगल है। तो बताते हैं पूरनपुर पीलीभीत माला जंगल से होता हुआ जो आया है पूरा पठार होते हुए यहाँ आपका गोला गोकरणनाथ तक आया है। रास्ते में पड़ेगा यहाँ से 10 किलोमीटर अप्रॉक्स दूरी रह जाती है। तो दोस्तों यही छोटी छोटी ट्रिप्स हैं जो अभी हम लोग बस थोड़ा एक्सपीरियंस ले रहे हैं, करना चाहते हैं और बेटर हो। मुझे पता है वॉइस क्वालिटी काफ़ी ख़राब होगी, काफ़ी शोर शराब आ रहा हो क्योंकि हमने कोई माइक नहीं यूज़ किया है, बस खाली नॉर्मली ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ कर रहे हैं तो उतनी अच्छी वॉइस क्वालिटी नहीं आ पाती। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये जो मोहम्मदी वाला ये चौराहा है, इधर आप जाएंगे तो सीधे BSC में एंट्री करेंगे। ये बरवर रोड जाती है, ये बाबा टेढ़े नाथ है, ये वहाँ के लिए सीधे आप जाएंगे तो यहाँ से 15-20 किलोमीटर पड़ते हैं बाबा टेढ़े नाथ। ये चौराहा यहाँ पर बहुत रश रहता है, आप आज तो लॉकडाउन है, आप ऐसे कभी आएंगे तो यहाँ पर बहुत रश रहता है, निकलना बहुत मुश्किल रहता है। प्रॉपर हम लोग यहाँ पर आते रहते हैं वर्किंग के पर्पज़ से, तो यहाँ पे बहुत रश रहता है। अब आपको एकदम क्लीन एंड चिट रोड मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रश नहीं मिलेगा ज़्यादा, बस छुट्टा पुट्टा 2-4 गाड़ियाँ और रोड। अब आपको रोड की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, रोड एकदम बिल्कुल मक्खन है, बहुत बढ़िया रोड है, आराम से 100 और 80 का स्पीड मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पर कोई भी बाइक हो। फिलहाल तो हमारे पास पैशन प्रो है, हम लोग उससे आए हैं इस टाइम, BS6 न्यू मॉडल अभी लिया था नवंबर में। तो जैसे ही दोस्तों कांवर यात्रा स्टार्ट होती है तो आप देखेंगे आपको यहाँ से निकलने की रास्ता नहीं मिलेगी, इतने कांवर यात्री जाते हैं। पिछले साल नहीं हो पाया था क्योंकि कोविड प्रॉब्लम चल रहा था, इस साल भी बहुत मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जगह जगह स्टॉल लगे होते हैं, खाने पीने का इंतजाम होता है, कांवर जो यात्री होते हैं उनके रुकने की व्यवस्था होती है। वो लोग फर्रुखाबाद से जल भरते हैं, फर्रुखाबाद में गंगा जी गई हैं, वहाँ से जल भर के आते हैं, वहाँ से पैदल यात्रा करते हुए फर्रुखाबाद सयामपुर मोहम्मदी करते हुए आप सीधा गोकरणनाथ बाबा के अभिषेक करते हैं जाके। बहुत रश रहता है उस टाइम, इस बार देखते हैं लोगों प्लान तो हमारा है, फिलहाल आज तो हम लोग ऐसे ही आ गए थे बाबा के दर्शन के लिए। अब अगले महीने 15 दिन बाद अप्रॉक्स 15 दिन के बाद में सावन स्टार्ट है, तो 15 दिन के बाद देखते हैं हम लोग का आना होता है या नहीं होता। फिलहाल तो हम लोग हर साल आते हैं, पिछले 2-3 सालों से ऐसा हुआ है कि हम लोग गोला गोकरणनाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप लोग जानते होंगे। बल्कि हमारे यहाँ से 60 से 65 किलोमीटर पड़ता है, कुछ प्लान नहीं बन पाता है। तो आज हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली ऐसा प्लान बनाया कि आज हम लोग को चलना है मोटो ब्लॉगिंग का, एक ब्लॉग शूट करना है, राइडिंग करनी है, एक्सपीरियंस देते हैं। अभी प्रिपरेशन चल रहा है केदारनाथ के लिए, एक महीना है हम लोग के पास में। जैसे बरसात स्टार्ट खत्म होती है सितंबर, आपका जुलाई में बरसात रहती है, वहाँ पर अगस्त में भी रहती है, सितंबर में हम लोग का प्रॉपर है 100% श्योर है कि हम लोग केदारनाथ जाने वाले हैं।
फाइनली हम लोग माला जंगल के पास में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ, ये देखिए ये पूरा जंगल आप ये देख रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ से लेकर अप्रॉक्सीमेट 1 किलोमीटर तक है रोड के इस पार भी, रोड के उस पार भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और आगे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पुल वगैरह बना रहे हैं, काफ़ी पेड़ वगैरह इन लोगों ने काटे हैं यहाँ पर रास्ता को बनाने के लिए। चलते हैं हम लोग, फिर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आप कभी आएंगे यहाँ, रुकिए, गाड़ी पार्क कीजिए, अपनी साइड में लगाइए, फिर मज़े लीजिए फोटो सेशन के लिए। अच्छे फोटो आते हैं, अच्छे व्यूज़ मिलेंगे आपको यहाँ से, बस 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर बाबा वो लगा रहा आपके दर्शन ले जाते हैं। चलिए वहीं पहुँच के हम लोग मिलते हैं, फिर मंदिर के अंदर गली में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। चल भाई चल अंदर चल। गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं, ये बाबा को प्रसाद चढ़ता है। और ये हो गया भांग, हो गई धतूरा, हो गया बेल, हो गया फूल, हो गया सब आप इनसे ले सकते हैं। ये आ जाओ भाई प्रसाद उठा लो। और ये हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ये बाबा के अंदर हम लोग जाते हो। यहाँ पर आप देखेंगे रेलिंग लगा रखी है, यहाँ पर पूरा ज़बरदस्त रश रहता है इस टाइम तो, कोविड के चक्कर में काफ़ी सख्त इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो बहुत कम भीड़ है। ऊपर से हम लोग को टाइम भी बहुत हो गया है आने में, सुबह सुबह आप आएंगे तो काफ़ी रश मिलेगा यहाँ पर आपको। ये रहा बाबा भोलेनाथ का मंदिर। जय हो बाबा गोकर्णनाथ की, जय हो बाबा भोला वाले की। ये देखिए नंदी बाबा हैं, पूरे पीतल के हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। और इस समय अंदर द्वार में गर्भ गुफा में सफाई चल रही है बाबा भोलेनाथ की, आप देख सकते हैं श्रद्धालु लोग सब खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी आने का। मंदिर में सफाई चल रही है अभी, तो बाबा का अभिषेक करेंगे, जल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, जैसे हम लोग मंदिर के कपाट पे पहुँचे, मंदिर में सफाई साफ सफाई शुरू हो गई, तो उन्होंने कपाट बंद कर दिए थे, लेकिन 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद जब उन्होंने कपाट खोले तो आज बाबा भोलेनाथ के वो दर्शन हुए हैं जो इतनी साल हम लोग को आते हुए हो गए हैं। आज तक वो दर्शन हम लोग को नहीं हो पाए, लेकिन आज बाबा की कृपा ऐसी थी कि बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं आज हम लोगों के, मज़ा आ गया। जय भोलेनाथ, कृपा आपकी अपरंपार है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप लोग देख रहे होंगे, लुक एट दैट, ये जो आप रिंग देख रहे हैं इसके बारे में मैं बात कर रहा था। और ये देखिए ये बाबा भोलेनाथ की कितनी बड़ी प्रतिमा बना रखी है, और इसके जस्ट सामने ये जो रिंग है इसको उन्होंने कवर कर रखा है, इसको सोने का इसको जाल से कवर कर रखा है, क्योंकि बताते हैं यहाँ पर जो असली शिवलिंग है वो यहीं पर है। देखिए देख लिए, लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं, पूरा तालाब फिल है, वहाँ तक आप जब ही जा सकते हैं जब इस तालाब की साफ़ सफाई होती है, इस तालाब का पानी बाहर निकालते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तब किसी दिन मौका लगेगा तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग को वहाँ ज़रूर दिखाता हूँ। फिलहाल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ पर सब लोग आते हैं, सब अपने पूजा वगैरह करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप नहा भी सकते हैं, लेकिन तैरना आता हो तभी नहाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर ऊपर पानी है, ये लोग देखिए नहा रहे हैं। ये गोला की मार्केट है मंदिर के बाहर ही, जो आप चाहें थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं, लेडीज़ आइटम ज़्यादा है, अपने का तो मतलब का कुछ है नहीं, अपना तो लेना कुछ बनता नहीं है यहाँ से। ये देखिए तो गाइस सब हम लोगों ने यहाँ पर अभी होल्डिंग पी है, अपना सकाया है, एक अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं गोकला गोला गोकरण से, इट्स टाइम टू 3:00 in the afternoon।
तो अब हम लोग मिलने निकल रहे हैं यहाँ गोला गोकरा नाच से 3 बजे अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे यहाँ पर, कोई ज़्यादा दूर नहीं, 60 किलोमीटर है। तो गाइस मिलते हैं बीच बीच में रास्तों में। कल कुछ हुआ ऐसा यूँ, हम लोग 3 बजे गोला गोकरण नाथ से निकले थे, लेकिन हम लोग को यहाँ शाहजहाँपुर पहुँचते पहुँचते बज गया 6:30। क्यों बज गया? क्योंकि मोहम्मदी में थोड़ा सा हम लोग को काम आ गया था, वहाँ पे रुकना पड़ा, तो वहाँ काम निपटाते निपटाते हम लोग 1.5 घंटा वहाँ वेस्ट हो गया। तो इसलिए हम लोग को वहाँ से निकलते निकलते 6:30 बज गया, रात में एंडिंग करनी थी लेकिन शूट नहीं कर पाए, तो अब हम लोग वीडियो का एंड करते हैं। गाइज एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आप, मैं चाहूँगा आप लोग गोला गोकरण नाथ जाएँ, वहाँ का एक्सपीरियंस लें और कोशिश करें कि सावन में आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। काफ़ी वहाँ पे रश रहता है, बहुत दूर 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 से लोग आते हैं, बहुत मान्यता है। आप जाएं बाबा के दर्शन करें, कावा चढ़ाएं, जिस तरीके से आप एंजॉय करते हैं एंजॉय करिए। ठीक है गाइस, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉगिंग के साथ में। प्लीज़ अगर यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना ध्यान रखिए। ओके गुड बाय, सबका ख्याल।